एक सैक बैग भी है। कितना सामान है इधर? तू चला रहा है, देखो टैक्सी में चार हो गया, चार दो छः। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सब अच्छा। बड़ा हो गई एकदम बढ़िया। यहाँ मेरी आवाज बदल गई है, मेरे को ही फील हो रहा है कि आवाज चेंज हुई है। आलू जरूर रुक जाओ, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ी थोड़ी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और होप आप सभी अच्छे होंगे, यहाँ भी सब अच्छा है। और फाइनली हम घर पहुँच गए हैं। अभी रियांश की बुआ हमारा सबका स्वागत कर रही है, ये मेरी बड़ी ननंद है। और फाइनली घर आके जो सुकून मिल रहा है वो और कहीं नहीं मिल सकता है। इतना लंबा जर्नी तय करके हम आए हैं और अभी बहुत कुछ बाकी भी है, बट घर आके बहुत सुकून मिला। बस अभी हम रेस्ट करेंगे और कल के दिन मैं क्या करूँगी वो आपको आगे अभी दिखेगा। इसी में ब्लॉग में मैं वो भी ऐड की हुई हूँ। होप आप मेरा ब्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे। अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ही कर दें। थैंक यू। खेलना होता है। घर पहुंचने की खुशी सबको थी और रियांश भी बहुत खुश था। और अभी मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ, ये मेरा बेडरूम है। स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, साइज चेक करके बता। आ जा इधर, आ जा इधर, आ जा उन्नाले में। अरे बाबा चूज, इसमें जो मैं भी पहनता हूँ शानी भी पहनती है, डिसेंट क्वालिटी है। क्या लग रहा है, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कितना नंबर है ये? वो तो पता नहीं, उधर का अलग साइज चलता है। मैंने कंपेयर करके लिया है यहाँ के। एक दिन कॉल करके मम्मी के वहाँ, मम्मी के लिए बोले थे ना। अरे मम्मी का जूता पहनने वाली है, ये वहाँ का सबसे रनिंग ब्रांड है, हम लोग दोनों भी यही पहनते हैं। महंगा रहता है बट ठीक है, आने लेकिन अच्छा है। मैं आपके लिए पर्स है, आपका वो यूरोस पूरी शो छोड़ा ही वहाँ पे, बाकी आपके लिए पर्स है। और सबको अब धीरे धीरे हम गिफ्ट जो भी लाए हैं वो दे रहे हैं। कुछ लोगों का तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है, वो क्यों नहीं किया वो जब मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी तो बताऊँगी, और जिसका किया है वो मैं आप लोग को दिखा दूँगी, मतलब जिसका रिकॉर्डेड है वो दिखा दूँगी। और अभी मैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए निकली हूँ, जो कि है मेरे बैंक का काम, मेरा आधार कार्ड और फिर मेरा बहुत सारा काम है, वो सब मुझे आज निपटाना है। उसके लिए मैं भी निकली हूँ पापा के साथ, और ये सब काम मेरा हो गया है। और शायद मैं अभी जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पर, जो मुझे उससे मिलना था क्योंकि बाद में मेरे पास समय नहीं था, तो मैं अपनी फ्रेंड से मिली। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मुझे उससे बात करनी थी, और मुझे उसके बाद जाना था अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। बट मैं घर आई और फिर कुछ अनप्लान चीज़ें हुई, जिसमें कि ये थी कि मैं बदलापुर से मुझे अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाना था। ये मेरे हस्बैंड गए हुए थे ऑलरेडी, बट मतलब मेरी वो ननंद लगेंगी, सो उन्होंने मुझे बुलाया, नहीं तुमको आना ही होगा। रियांश को भी बोल रही थी बट मैं रियांश को लेके नहीं गई, मैं अकेले ही गई। वो भी मीरा रोड जाना था बदलापुर से, वो बहुत दूर पड़ता है, बट मैं गई और वहाँ मुझे दिख गई कुल्हड़ की चाय। सो मैं बहुत मिस कर रही थी क्योंकि मुझे यूपी में समय ही नहीं मिला पीने का, एक ही बार बस मैंने पिया था। सो यहाँ मुझे दिखा तो मैंने बोला चलो पहले ये चाय पी लेती हूँ फिर दीदी के यहाँ पे जाऊँगी। तो मैं अभी वो इन्जॉय कर रही हूँ, और बहुत ही टेस्टी था चाय, बहुत ही यम्मी था। ये जस्ट मीरा रोड से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे ही बाजू में कॉर्नर है, वहाँ पे ये चाय मिलती है। अभी कुल्हड़ में भी आप ले सकते हो, और भी एक दो कप वगैरह है, बट मैंने कुल्हड़ में ही प्रिफर किया और बहुत ही यम था। और फाइनली मेरा चाय इन्जॉय करके हो गया है, अभी मैं जाऊँगी अपने दीदी के यहाँ पे।
और ये अनप्लान्ड था बट ठीक है, मैं पहुंच गई। काफ़ी समय लगता है मेरे घर से यहाँ पहुंचने के लिए, अराउंड 2.5 घंटा। मुझे ऐसे लगा था कि मैं नेक्स्ट डे चली जाऊंगी अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, बट वो मैं कब मिली मैं आगे ही आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट थी मिलने के लिए। बट कभी कभी आप कुछ चीज़ों को अगर एकदम ज़्यादा चाहने लगते हो ना कि नहीं ये आपको करना है, वो कभी कभी आप नहीं कर पाते हो, और मेरे साथ ये वही हो रहा था। बट इन्होंने भी बहुत ही प्यार से बुलाया था मतलब, और मैं जा नहीं पा रही थी, कई साल हो गए थे मुझे इनके घर गए, सो मैं बहुत वेट कर रही थी। और मुझे ऑटो में वीडियो बनाना था, और फिर मतलब मैं जब ऑटो ली तो मेरे दिमाग में पहले नहीं, मैं ऑटो में ब्लॉगिंग तो ज़रूर ही करूँगी, क्योंकि कई ब्लॉगर्स को मैंने देखा है और मुझे बहुत ऐसे हो रहा था, क्रेविंग हो रहा था इनफैक्ट कि नहीं मुझे ऑटो में ब्लॉगिंग करना है, इसलिए फिर मैंने ऑटो में भी थोड़ा शूट किया। डर लग रहा था क्योंकि यू नो मोबाइल आप दूर थोड़ा पकड़ते हो, कोई स्नैच ना कर ले, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया है, वो भी अंदर ऐसे कॉर्नर में रख के। मैंने सोचा ये भी आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि डर लगता है ना आप ऑटो में हो, कोई रनिंग से आपने स्नैच करके चला जाए आप क्या ही कर पाओगे। सो काफ़ी केयरफुल्ली मैं वो कर रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, इसके पहले मैंने कभी ऑटो वगैरह में नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑटो का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे तो कैब वगैरह ही चलता है। और यहाँ जब से आई हूँ तभी से मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया है, सो काफ़ी अच्छा था ये, फाइनली मज़ा आया। मुंबई की ट्रैफिक ने परेशान कर ही दिया था, जो मुझे 10-15 मिनट लगता वो 20-25 मिनट हो गया था, मतलब यहाँ ब्रिज बन रहा था और प्लस वन वे हो गया, सो उसकी वजह से काफ़ी मुझे प्रॉब्लम हुआ। प्लस ऑटो वाले अंकल को रास्ता ही नहीं समझ आ रहा था कि मुझे जो डेस्टिनेशन में जाना था उनको मिल ही नहीं रहा था, सो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुई। फाइनली मैं उनका ऑटो मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैंने खुद ही सर्च किया, और जबकि हम वो बिल्डिंग के सामने से 2-3 बार गुजरे बट वो उनको भी नहीं दिख रहा था और मुझे भी नहीं दिखा। सो बहुत ही मतलब पथेटिक हो गया था मेरे लिए, बट फाइनली फिर मुझे मिल गया और मैं खुद ही सर्च किया और मैं उनके घर पहुँच गई, और उन्होंने हमारे लिए स्पेशल खाना बनाया था, और खाना खा के वो बहुत ही अच्छा दीदी खाना बनाती है एकदम मस्त। उनको बोली मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, उन्होंने अपनी साड़ी वगैरह ठीक कर रही थी। अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा, वैसे आपका खाना अच्छा ही रहता है हमेशा से। कुछ लोगों के खाने की तारीफ मैंने ये लोग के मुंह से सुनी है, जैसे एक दो इनकी बुआ लोग हैं मतलब उनकी इन्होंने तारीफ की हुई है, तो वहाँ भी जाना है। फिर आपके यहाँ का लास्ट टाइम आई थी बट शादी में जाना था तो इतना एंजॉय नहीं कर पाई, कहाँ भागे तो फटाफट फटाफट था, फिर तब से मुहूर्त ही नहीं निकला। बट आज तीन साल, और अभी मैं हॉल में आके थोड़ी देर बैठी हूँ क्योंकि दीदी जा रही थी दिया लगाने, शाम का समय हो गया था, और ये दीदी के ससुर जी थे। सो दीदी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, और इनसे मैंने एक ट्रिक सीखा है कचौड़ी बनाने का, क्योंकि मेरी कचौड़ी हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ वो उसका स्टफ़ बाहर आ जाता है, फूल जाता है और स्टफ़ बाहर आता है, सो मुझे बहुत गुस्सा आता था। बट फाइनली मुझे अभी समझ में आ गया इसको कैसे क्या करते हैं, क्योंकि दीदी और मेरी सासू माँ सेम, दोनों का पैटर्न खाना बनाने का सेम है, मम्मी भी बहुत अच्छा बनाती है और दीदी भी बहुत अच्छा बनाती है, सो मैंने ये ट्रिक सीखा है और यहाँ आके मैं इसे ज़रूर ट्राई करूँगी पेरिस जाके, कि कैसे इसको वापस बना के देखूँगी कि वो ट्रिक मेरे काम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मैंने ही बनाया और काफ़ी अच्छा बना था और एक भी बैटर उसमें से बाहर नहीं आया था जब मैं फ्राई की तो। नहीं बस नहीं जाएंगे हम, ट्रेन से ही जाएंगे दीदी, कर देंगे अब बहुत ट्रैफिक होगी, बस से बहुत ट्रैफिक होती है, नहीं बस से जाएंगे ही नहीं। अभी देखो बराबर है, बस अभी थोड़ा आप दबा लो अपने हिसाब से, नहीं उसे कर दो, ऐसे कुछ करना नहीं है, अभी से बराबर है। यम्मी कचौड़ी कर ली, फटी नहीं वही इम्पोर्टेंट है, मेरी फट जाती ना, अब मैं ऐसे बनाऊंगी, फटी है नहीं फटी है, तुम्हारे से पहले मैंने भी नहीं बनाई, ये सब तुम्हारे है। अच्छा अभी नीचे ये सब मेरा है, फटी नहीं, अभी समझ गई मैं थोड़ा टेक्निक आपकी, देखो ऐसा लग रहा है खाने में मजा आती है, मम्मी ऐसी बनाती है, मम्मी को ना छोटा छोटा अच्छा लगे, देखो फूट गई है, वो सब फूट गई है।
और फूटी एक भी नहीं है। इनको ऐसी आदत है, मैं बनाने की कोशिश करती हूँ लेकिन जब फट जाती है तो दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा बनाओ कभी नहीं फटेगी। फाइनली अब ये भोजन का ग्रहण करने का टाइम आ चुका है और बहुत ही यम्मी सब कुछ बना था। थैंक यू दीदी, क्योंकि ब्लॉग मेरा दीदी देखती है, सो सब कुछ बहुत ही यम्मी था। थैंक यू सो मच। और बस अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं और ये ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलिए आप मेरा ब्लॉग इंजॉय करिए, कमेंट करिए अच्छे अच्छे, और बुरा करना है वो भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू गाइस, बाय बाय।